आप तैयार हो गए? मैम कहाँ जा रहे हो? इधर देखो, शादी में जा रहे हो। चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मेरे भाई के दोनों बच्चों की माइयों हैं और हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। हैंग टाइम तक जो बस से कहते हैं लड़कियों की तैयारियाँ नहीं ख़त्म होती, गाड़ी में बैठ के तैयारियाँ चल रही हैं। माशाल्लाह से दुल्हन की एंट्री जो दोनों भाइयों के साथ हुई थी और मेरे दोनों भतीजे इसको स्टेज तक लेकर आए थे और अभी जो है इन लोगों का फोटो शूट हो रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों बच्चे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ लड़की के ससुराल वाले आ चुके हैं तो यहाँ लड़की की माइयों की रस्म शुरू करवा दी थी क्योंकि लड़के के ससुराल वाले अभी आए नहीं थे और जब वो लोग आएंगे तो उसकी रस्म करवा देंगे। और ये दोनों जो रस्म अभी कर रही हैं ना, ये दोनों मेरी बड़ी मुमानी हैं। और अभी ये लोग रस्म कर रहे हैं कि इतने में लड़के के ससुराल वाले भी आ गए हैं और फिर ये मेरी सबसे छोटी मुमानी हैं और इससे पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था वो दोनों मेरी बड़ी मुमानी थी। और माशाल्लाह से दोनों बच्चों की शादी है जो है ख़ानदान में ही हुई है तो सारे रिश्तेदार थे। बना रही हूँ क्या निकाले ठीक ठाक, तुम सुनाओ? और यहाँ मेरे सारे भांजे भतीजों के साथ बड़े धूमधाम से दानियाल की एंट्री हो रही है और साथ में उसकी बहन और भाभी भी हैं।
Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo. Me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toqué, cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo. Me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toqué.